हेलो फ्रेंड्स, सुधीर सिंह आप सबका स्वागत करता है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। और दोस्तों, हमेशा मेरे पास कोई ना कोई नया विषय होता है, कोई ना कोई नया सब्जेक्ट होता है जिस पे मैं आपसे बात करता हूँ। आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज के युग में। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि लोग इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, इतनी जागरूकता समाज में आने के बावजूद भी, लोग इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते हैं, इस मुद्दे से कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, इस मुद्दे से भागना चाहते हैं। तो मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ उसका नाम है दहेज। दोस्तों, ये बुराई आज से नहीं है, बहुत पहले से है और लगातार ये सिस्टम चलता ही जा रहा है और लोग इसे परंपरा के नाम पर आगे बढ़ाते रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इसको परंपरा कहते हैं कि क्या एक ऐसी बुराई जो समाज में लोगों का सुख चैन छीन लेती है, जो बहुत सारी लड़कियों को रोने पर मजबूर कर देती है, बहुत सारे घरों को तबाह कर देती है, बहुत सारी उम्मीदों को, बहुत सारे सपनों को तोड़ देती है, ऐसी बुराई को क्या हम परंपरा कहेंगे? क्या ये परंपरा हो सकती है? नहीं दोस्तों, परंपरा होती है वो जो समाज में सुकून लाती है, लाइफ में सुकून लाती है, लोगों के दिलों में रोशनी लाती है। इसे हम परंपरा नहीं कह सकते हैं, इसे हम कुपरंपरा, दुष्परंपरा कह सकते हैं। जब कोई पूछता है कि आप दहेज में विश्वास क्यों रखते हैं, तो जवाब भी रटा रटा ऐसा होता है, बड़ा ही प्यारा सा जवाब होता है उनके पास। क्या जवाब होता है? कि देखो जी, हम समाज में रहते हैं और समाज के कायदे कानून तो मानने ही पड़ेंगे, समाज की रीति रिवाज से चलना ही पड़ेगा। अरे भाई, समाज में तो बहुत सारी बुराइयाँ हैं। पहले प्रदा प्रथा थी, सती प्रथा थी, प्रदा प्रथा आज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुराई हैं। तो क्या वो रीति रिवाज हैं? नहीं, बिल्कुल रीति रिवाज नहीं हो सकते। रीति रिवाज, परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति अच्छे के लिए होती हैं। जी हाँ, ये सब मैंने बताया ना कि लोगों के दिलों में रोशनी लाती हैं, हम सब की ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके आती हैं। लेकिन दहेज जैसी बुराई, डोरी जैसा सिस्टम कभी भी लोगों के दिलों में रोशनी नहीं ला सकता है, लोगों के दिलों में नफरत के अलावा कुछ भी नहीं ला सकता है। दोस्तों, न जाने कितनी सारी लड़कियाँ दहेज के नाम पर जला दी जाती हैं, कितनी सारी लड़कियों की उम्मीद, कितनी सारी लड़कियों के अरमान रौंद दिए जाते हैं दहेज की वजह से। कितने सारे गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग डरते हैं शादी की बात करने पर, दहेज के विषय में जब बात आती है तो। कितनी सारी लड़कियां होती हैं जिनके बहुत सारे अरमान होते हैं कि जब वो पति के घर जाएंगी डोली में बैठ के तो उनका एक अपना संसार होगा, लेकिन वो ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं जब उन्हें परेशान किया जाता है ससुराल में दहेज के नाम पर। क्या बात है! और हम इन्हें परंपराओं का नाम देते हैं, कितनी बड़ी बात है! कैसे हो सकती हैं ये सब परंपराएं जो एक लड़की के घर को तबाह कर देती हैं, जो एक आशियाने को मिटा देती है, रौंद देती हैं? ये परंपराएं नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, क्या कारण है इन सब के पीछे? इन सब के पीछे कारण सिर्फ सोच का है। और एक कारण ये है कि लोग एक ही लकीर पर चलना जानते हैं, जिसे भेड़ चाल कहते हैं। पड़ोसी ने अच्छा दहेज लिया है तो तुम्हारा भी हक बनता है कि अच्छा दहेज लो। समाज क्या कहेगा? अरे भाई, सबसे पहले आप अपने घर की सोचिए, ठीक है, उसके बाद समाज की सोचिए, ठीक है ना? पिता, बाबुल, बाप बेचारा सारी उम्र 20-25 साल उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसके सपनों को पूरा करता है, अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाता है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई के लिए उसे भेजता है, अच्छी डिग्री डिप्लोमा उसे करवाता है, और उसके बाद क्या होता है? उसकी शादी का वक्त आता है, पूरी उम्र लगा देता है उसको पालने पोसने में, और एक दौर आता है जब उस लड़की को विदा होना पड़ता है। लेकिन विदा भी तो ऐसे ही नहीं होना पड़ता है, बहुत सारे रिश्ते ढूंढे जाते हैं, बहुत सारे इसलिए बिकॉज बहुत सारे रिजेक्शन भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? दहेज की वजह से। किसी की डिमांड इतनी हाई होती है, कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 25 लाख मांग रहा है, किसी को होंडा सिटी चाहिए, किसी को एल्टो चाहिए, कमाल की बात है। सारी उम्र उस बाबुल ने, उस बाप ने, उस पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, और अब शादी भी जल्दी से नहीं हो पा रही है बिकॉज दहेज की बात आती है, कमाल की बात है। बाबुल, पिता, बाप जब शादी के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है, सब चीज़ बहुत अच्छे से होती जी, हमारा लड़का बड़ा संस्कारी है, परिवार बड़ा संस्कारी है, इसके दादा वो थे, चाचा वो हैं, हम ये करते हैं,
हमारी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी सभ्यताएं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा वो बताते हैं, ठीक है। परंपराएं बहुत अच्छी बताते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति सब कुछ अच्छा बताते हैं। एट लास्ट में क्या होता है, देखो जी ऐसा है, समाज के साथ चलते हैं तो देखो कुछ लेना देना तो करना ही पड़ेगा। कमाल की बात है, सब कुछ अच्छा है लेकिन वहाँ पर जाके सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो बाप क्या करेगा बेचारा, सब कुछ उसने कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद अब उससे दहेज मांगा जा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे किस्से देखे हैं, रिश्ते के वक्त जब बात चली थी, फर्स्ट टाइम फैमिली मिली थी, उस वक्त लड़के वालों से पूछा गया था कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं जी, देखो हम गरीब आदमी हैं, दहेज का तो कोई मैटर नहीं है ना। लड़के के पिताजी का कहना था नहीं जी, हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, हमें तो दो कपड़ों में लड़की चाहिए। वही परिवार, वही लोग, ये सच में हकीकत मैंने देखी है, वही हकीकत आपके सामने बयां करना चाहता हूँ। वही परिवार, वही लड़के का बाप शादी के मंडप में शर्त रख देता है कि गाड़ी नहीं तो दूल्हा फेरे नहीं लेगा। इसे कहते हैं दहेज की बात। जो भी झेलना पड़ता है लड़की वालों को झेलना पड़ता है। गलती से खाने के आइटम में जो बारात में परोसा गया है, नमक ज़्यादा हो गया है, नमक कम है, लड़की वालों ने खाना अच्छा नहीं बनाया। अरे भाई गलती हलवाई ने की है बेचारे ने, लड़की के बाप को क्यों दोष दे रहे हो, लड़की के भाई को क्यों दोष दे रहे हो। कमाल की बात है। ऐसा था जी, जो टेंट लगा था ना सब अच्छा था, बट थोड़ा सा कहीं से मैला था और थोड़ा सा उसका कलर अच्छा नहीं था, थोड़ा लाइट शेड रखते ना तो अच्छा लगता, बड़ा गहरा कलर था, तड़क भड़क वाला था। ये भी लड़की वालों की गलती है। ऐसा था जी, जो आपने अंगूठी दी है ना उसका, वो क्या है कि ठीक है लेकिन वो उसका थोड़ा सा वो नग था वो टूट गया है, वो पता नहीं कहाँ कौन से सुनार से आपने बनवाई थी, वो थोड़ा सा कमाल है उसमें। सुनार के दोष को आप लड़की वालों पे क्यों थोपना चाहते हैं। ऐसा था जी, जो कपड़े दिए ना आपने, वो थोड़ा सा क्या है कि एक दो धुलाई में फेड हो गए, उन पर जरी का काम अच्छा नहीं है, कलर थोड़ा फेड है। यार हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी बहुत सारी बुराइयाँ हैं जो आप करना चाहते हैं, मैं गिनाना चाहता हूँ लेकिन इतना समय नहीं है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मत करो ऐसा। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई पे खर्च, उसके बाद दहेज देना, उसके बाद शादी पे खर्च, उसके बाद जब उस लड़की को बेबी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो बहुत सारे रिचुअल्स बना रखे हैं, परंपराएं बना रखी हैं, वहाँ पर खर्च करना, मतलब उस लड़की के घर, उसके पति के घर कोई भी अच्छा या बुरा काम होगा, कोई भी फंक्शन होगा, लड़की के बाप को, लड़की के भाई को हमेशा निभाते रहना पड़ेगा। ये हमारी परंपराएं हैं, जो कि परंपराएं ना होके कुपरंपराएं हैं, दुष्परंपराएं हैं। लड़की की शादी में दहेज, ओके जी ठीक है, गाड़ी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, गहने देने पड़ेंगे, सामान देना पड़ेगा, ओके 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 ओके, शादी में बहुत सारा खर्च। उसके बाद उस लड़की को बच्चा होता है, बेबी होता है, तो उसमें खर्च करना पड़ेगा। कमाल की बात है। और कोई भी फंक्शन हो गया तो उसमें खर्च करना पड़ेगा। उसकी फैमिली में कुछ भी हो रहा है तो उसको खर्च करना पड़ेगा। कमाल की बात है यार, उसने सब कुछ कर दिया है, उसके पति का हक बनता है, उसके पति का कर्तव्य बनता है कि लड़की का सारा खर्च, जो भी परंपराओं के नाम पर है, उसका अपना खर्च सब कुछ हो, खुद वहन करे, खुद वो करे। कम से कम यार अब तो उस बेचारे बाबुल को, पिता को मुक्ति दे दो इस कुपरंपरा से, अब तो उसे बख्श दो कम से कम। लेकिन नहीं, बाल की खाल तो निकालनी है। कहना चाहता हूँ, बड़े सौभाग्यशाली, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी बेटियाँ होती हैं, जी हाँ, लेकिन बड़े बदकिस्मत हो जाते हैं उस वक्त जब उनसे दहेज मांगा जाता है। कमाल की बात है। पढ़ने लिखने की बात करते हैं, डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, सारा सब कुछ आपने पढ़ लिया, लिख लिया, किस चीज़ का है ये भी? क्या पढ़ाई लिखाई इसी चीज़ के लिए बनी थी? कमाल की बात है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की पढ़ाई आप पढ़ना नहीं जानते, दूसरों को तंग करना है, ठीक है ना, लेकिन कहते हो नहीं हमारे पास डिग्री है, हमारे पास डिप्लोमा, हम ग्रेजुएट, हम पोस्ट ग्रेजुएट, हम एमफिल, हम पीएचडी हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है।
जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं है आपके पास, जब तक आपके दिल में प्रेम नहीं है, जब तक आप दहेज जैसी बीमारी को परंपरा मानते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। जब तक कुपरंपराओं को परंपरा मानते रहेंगे, दुष्परंपराओं को परंपरा मानते रहेंगे, इन्हें रिचुअल्स का नाम देते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। कितने भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो दे दो यार उसे मुक्ति। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बेचारी आज भी बाबुल के अंगना में बैठी हैं, सिर्फ किस लिए? बिकॉज दहेज के नाम पे उनकी शादी नहीं हो पा रही है। सोचते हैं कभी इस बात को? 30 साल, 32 साल, 33 साल, 35 साल, 38 साल, 40 साल उम्र हो जाती है लेकिन बाबुल के अंगना में बैठी है। बिकॉज पर्टिकुलर शायद उस कास्ट में बिना दहेज के शादी नहीं होती। कास्ट का भी सिस्टम बना रखा है, धर्म का सिस्टम बना रखा है। नाम दे देते हैं परंपराओं का। कम से कम यार ये मत बोलो कि तुम परंपरा निभा रहे हो, नहीं बोलो कि हम दुष्परंपरा को परंपरा निभा रहे हैं। ये रिचुअल्स नहीं हो सकते, विधि विधान नहीं है ये, ठीक है? प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, अगर सच में पढ़े लिखे हो ना तो ये दहेज लेना और देना बंद कर दो। दहेज से लड़के की पूरी उम्र नहीं बीत सकती है, पूरी उम्र उस पैसे को नहीं चला सकता है। एक दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा, एक दिन वो सामान भी टूट जाएगा, एक दिन वो गाड़ी भी पुरानी हो जाएगी, एक दिन उन गहनों पे, अंगूठियों पे, ब्रेसलेट पे जंग लग जाएगा। छोड़ दो। दोस्तों एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि शुरुआत इंसान को खुद से करनी चाहिए। आज मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं ये बदलाव खुद के अंदर लेके आऊँ। तो आज आपको कहना चाहता हूँ, एक वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी शादी करूँगा तो 20 रुपये में करूँगा, ताल ठोक के करूँगा। बिकॉज 20 रुपये में 2 मालाएँ आती हैं, 10 की वो मुझे पहनाएगी, 10 की मैं उसे पहनाऊंगा और ये 20 रुपये में शादी होगी। बिकॉज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक शादी पे आप 1 करोड़ रुपये लगा दो लेकिन पति और पत्नी के बीच में प्यार, विश्वास, समर्पण की भावना नहीं है तो वो शादी फेल हो जाएगी। लेकिन अगर एक लड़के और लड़की ने दिल से किसी को पति पत्नी मान लिया, विश्वास और प्रेम है दोनों के बीच, वो सिर्फ माला पहना के शादी की है, यकीनन उस शादी को दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता है। तो क्या एक शादी 20 रुपये में नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो शादी में सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? शादी में सबसे ज़रूरी चीज़ 2 परिवारों का मिलन, 2 दिलों का मिलन, लड़के और लड़की में आपस में प्रेम की भावना, विश्वास, भरोसा, यही सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी होती है। दहेज और ज़रूरी हो ही नहीं सकता है। किसी शादी को तोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है दहेज। किसी लड़की को जिंदा जला दिया जाता है बिकॉज दहेज। 2 परिवार आपस में टूट जाते हैं बिकॉज दहेज। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग मुझे बेवकूफ़ या पागल कह रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। बिकॉज मैं जानता हूँ जो दुष्परंपराएं होती हैं, कुपरंपराएं होती हैं, जिन्हें हम रिचुअल्स का नाम देते हैं, जिन्हें हम परंपराओं का नाम देते हैं, उनके खिलाफ कोई जाता है तो लोग ऐसे अगेंस्ट हो जाते हैं। मैं जानता हूँ मैं जिस रास्ते को चुन के चल रहा हूँ वो रास्ता सही है, ह्यूमैनिटी की तरफ से, इंसानियत की तरफ से, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। कोई मुझे पागल कहे, डजंट मैटर, कह सकता है, मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों हाथ जोड़ता हूँ आपसे, कम से कम यार किसी की बेटी को बचा लो, किसी की बहन को बचा लो, किसी के बाप को बचा लो, किसी की माँ को बचा लो। सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, ये चीज़ें छोड़ दो यार, ये दहेज वगैरह का सिस्टम छोड़ दो। इस दहेज से किसी की ज़िंदगी नहीं बचती है, इस दहेज से बर्बादी आती है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आती है। छोड़ दो, इसको हटा दो, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन बोलते बोलते बोला ही जा रहा है। उन लोगों के भी पर निकल जाते हैं, किन लोगों के? जो दहेज लेने की औकात नहीं रखते हैं। माफी चाहूंगा ये शब्द मैं बोलता नहीं हूं कभी, औकात इंसान की क्या होती है, सारे इंसान बराबर होते हैं, लेकिन यहां पर मैं
एक व्यंग कस रहा हूं किसी पर, वो लोग भी दहेज मांगते हैं जिनकी औकात नहीं होती है दहेज मांगने की। जानते हैं कैसे? जिनके घर पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है उनको होंडा सिटी चाहिए। कमाल की बात है। उसके बाद, अरे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लड़की में क्या कमी है? लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छे घर से है, शिक्षित है, संस्कारी है, सब कुछ है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ है। सारे सवाल लड़की से ही किए जाते हैं, लड़के से कोई सवाल नहीं करता है, ठीक है। लोग यहाँ तक पूछ रहे थे बेटा वर्जिन हो, लड़के से कोई नहीं पूछता है। वर्जिनिटी का टेस्ट जो है लड़की के लिए ज़रूरी है, लड़के के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सवाल पूछे जाते हैं लड़की से पूछे जाते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। जब लड़की में कोई कमी नहीं है, घर वालों में कोई कमी नहीं है, परिवार अच्छा है, तो फिर वो दहेज क्यों दे किसी को? क्या यहाँ पे सौदा हो रहा है? इसमें मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ लड़की की फैमिली की। यार आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप क्यों किसी लड़के को आप दहेज दे रहे हो? वो लड़के वालों की गलती इसलिए कि आप क्यों बिक जाना चाहते हो यार, क्यों बिक जाना चाहते हो यार? बहुत सिंपल तरीके से शादी की जा सकती है, बहुत सिंपल तरीके से आप शादी कीजिए और जो पैसा आप लगाना चाहते थे उस पैसे को बचा के यार बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोड पर रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो भूखे सोते हैं, उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। अगर उनकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना कहना चाहता हूँ, शादी कर लो आप धूमधाम से करना चाहते हो, लेकिन यार दहेज का सिस्टम छोड़ दो, कुछ मत लो लड़की वालों से। और लड़की वालों आप भी कुछ मत लो लड़के वालों से। बहुत हो गया, शायद मेरा वीडियो आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि यार छोड़ दो इस बुराई को, कुछ भी नहीं रखा है इसमें, ठीक है ना, सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं रखा है। यार प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, सुख चैन शांति अमन ह्यूमैनिटी के साथ रहो, दुनिया बहुत खूबसूरत है। दहेज के पैसे से ना किसी का पेट भरा था, ना किसी का पेट भरा है और ना किसी का भरेगा, तो फिर काहे को? मेरे भाई, रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज 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 से गुड बाय टू डोरी, बिकॉज डोरी इज नॉट आवर ट्रेडिशन, यह हमारा कल्चर नहीं है, इट्स अ बैड कल्चर। चलते चलते आपसे दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। एक लड़की का बाप क्या कह रहा है लड़के वालों से, ये कविता जब मैं 8वीं क्लास में था तब मैंने लिखी थी, पूरी मुझे याद नहीं है, दो लाइन है कि छोटी की सित्कार देखकर आंख भरी आती है। इतना दहेज मांगा जा रहा है उसे कि छोटी की सित्कार देखकर आंख भरी आती है, दे दो जीवन दान उसे, ये पत्थर है या छाती है? इंसान की तो छाती होती है, पत्थर नहीं होता है। यार इतना कहने से, इतना समझाने से डेफिनेटली आप सबके समझ में आएगा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे वीडियोस आप शेयर करते हैं, हंसी मजाक वाले, शेर व शायरी वाले, भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पर, भेजते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं एक दूसरे को। यार ये भी एक वीडियो है, इस वीडियो से हो सकता है किसी की आंखें खुल जाए, किसी बहन का, किसी बेटी का घर उजड़ने से बच जाए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मुद्दे की बात का वीडियो है, काम की बात का वीडियो है ये वीडियो कुछ कहता है। इंसानियत की भावना से जीना सीखो, दहेज वगैरह से दूर रहो। इस वीडियो के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, मेरी बुराई करना चाहते हैं, मुझे पागल बताना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप सबका स्वागत है। वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आपका इंतज़ार करूँगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ये मेरा एक बार फिर से निवेदन है आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।